हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको खीर बनाना बताएंगे। ये खीर खाने के बाद आपको बिल्कुल भी कमजोरी नहीं रहेगी, और यदि आपको थकान लगती है तो थकान भी दूर होगी। इस तरीके से यदि आप खीर बनाकर 15 से 20 दिनों तक खाएंगे तो आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस खीर को बनाने के लिए ये हमने 100 ग्राम मखाना ले लिया है, और ये हमने 20 काजू और 20-25 बादाम बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये है चिरौंजी, और हमें चाहिए दूध और शक्कर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक पैन में दूध रखेंगे। जितना आपको बनाना है उस हिसाब से रखना है। यदि आप एक कटोरी खीर बना रहे हैं तो आप 6-7 काजू और 6-7 बादाम यूज कर सकते हैं, और ये मखाना भी कम कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने गैस पर दूध रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे। तो दोस्तों, दूध को गर्म करते समय ध्यान देना है कि दूध में बीच बीच में कलछी से इस तरीके से चलाते रहना है, नहीं तो दूध भगोने के तले में लग जाएगा। तो दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें सामग्री डालेंगे। तो इस दूध का प्रयोग करने से आप में जो भी बीमारियाँ हैं सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो इस दूध का प्रयोग आपको सुबह करना है और शाम को, दोनों टाइम करना है। यदि आप दोनों टाइम नहीं कर सकते तो शाम के टाइम ज़रूर करें। तो हम हल्का सा दूध को गुनगुना होने देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे दूध में अच्छा उबाल आ रहा है। अब हम इसमें काजू बादाम के कटे हुए टुकड़े डाल देंगे, और उसके बाद हम ये जो मखाना है इसे भी डाल देंगे, चिरौंजी भी हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अच्छे से खीर को पकने देंगे, और हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डाल देंगे। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप शक्कर स्किप कर सकते हैं। तो हम शक्कर भी डाल दे रहे हैं। ध्यान रहे, शक्कर डालने के बाद आपको बीच बीच में खीर को चलाते रहना है, नहीं तो शक्कर नीचे तली में बैठ जाएगा। तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम पर करके खीर को अच्छे से पकाएंगे। करीब 5 से 10 मिनट तक खीर पकाएंगे, तब तक हमारी खीर अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो हम गैस पर इसे छोड़ देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे, खीर को पकने देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं खीर को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी खीर अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आपको भी इसी स्टेज पर गैस को बंद करना है। तो चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। तो खीर को खाने से यदि आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बदन में दर्द है, यदि शरीर में कहीं भी दर्द है तो वो सब दर्द निकल जाएगा। तो आप इस खीर का लगातार प्रयोग कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय। इस खीर का प्रयोग व्रत में भी कर सकते हैं।